सीएम योगी के निर्देश पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना संक्रमितों का जाना हाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज इटावा के कोविड अस्पताल का सघन निरीक्षण राज्य के कृषि और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोविड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी कर्मियों से वार्ता कर उनको प्रोत्साहित किया। सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण करके अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के बाद सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों को बताया कि कोविड अस्पताल में इस समय 11 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है, जिनका डॉक्टरों की टीम इलाज करने में लगी हुई है। सूर्य प्रताप शाही कोविड अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि इटावा और सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्थापित कोविड अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर है। उन्होंने बताया कि 200 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए खाली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कोरोना संक्रमित के साथ भेदभाव ना बरता जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में एक सैकड़ा के आसपास ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने हैं, जिनकी व्यवस्थाएं करीब करीब पूरी कर ली गई है। बहुत ही जल्दी ऐसे भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिए जाएंगे। सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पताल के बाहर भारतीय जनता पार्टी की एमएलए श्रीमती सरिता भदौड़िया के सौजन्य से स्थापित कराई गई कैंटीन का भी अवलोकन किया। इस कैंटीन पर शाही ने चाय का आनंद लिया। इस कैंटीन से सभी कोरोना संक्रमितों के अलावा उनके तीमारदारों को मुफ्त में खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की, जिसमें जिला अधिकारी इटावा श्रुति सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने पदाधिकारियों से इटावा में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बाबत में जानकारी प्राप्त की एवं आश्वस्त किया कि इटावा में किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जनपद में अधिक से अधिक आरटीपीसीआर व एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। अंत में प्रभारी मंत्री ने बुलाकीपुर लोहन्ना के प्राथमिक विद्यालय में बने आइसोलेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। अभी यहाँ पर तो 11 पेशेंट हैं और फिलहाल इटावा जिले में संक्रमित लोगों की संख्या ढाई के भीतर है और सब स्थितियाँ कंट्रोल के भीतर हैं। सैफई और यहाँ पर कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी 200 बेड हमारे पास ऐसे हैं ऑक्सीजन के जो खाली हैं और किसी तरीके की कोई दिक्कत कठिनाइयाँ नहीं हैं। पीपी किट पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है और होम डिलीवरी भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर की जा रही है। इसलिए काफ़ी व्यवस्था में सुधार हुआ है और अच्छा चल रहा है। हर प्रयास किया जा रहा है। आज मैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में ही गया था और वहाँ पर से मैं दो तीन ब्लॉकों के जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि नहीं, लगातार स्वास्थ्य विभाग संपर्क के भीतर है, प्रशासन संपर्क में है, दवाइयाँ हमको मिली हैं और जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम ऑक्सीजन भी नाप रहे हैं और बुखार भी नाप रहे हैं और यदि कठिनाइयाँ पड़ती हैं तो हम फ़ोन करते हैं, उसका समाधान होता है। तो इस तरीके से बेहतर है। आगे आने वाले दिनों के लिए और 100 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ जिला अस्पताल में होंगे, कुछ सैफई में होंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो एक दो सीएससी भी बढ़ाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 100 के करीब ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं तो क्रमशः वो आ रहे हैं और लगते चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट खराब था सैफई का, उसको ठीक कर दिया गया, सप्लाई दी जा रही है, कोई कठिनाइयाँ नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं तो इसलिए कोई इतनी हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।